गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये है माता रानी जो हमारे मोहल्ले में रखी गई थी। इसको बोलते हैं नौतिया और इसको बोलते हैं नौता। देखो बेवसी मिल रही है, बता से कौन केला को पसंद। ए बुआ नमकीन ना पा रही है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, ऐसा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू आज के मेरे ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन छोड़ छोड़ के ब्लॉग आ रहा है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है। आप लोगों को शक्ल देख के नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से सच्ची में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। आज काफ़ी दिनों बाद मैं जा रही हूँ बाजार करने और आपको मैं बहुत क्या लेके जा रही हूँ, सैंडल टूटे हुए थे, काफ़ी दिनों से रखे थे टूटे हुए। तो मैंने सोचा आज बाजार करने जा रही हूँ। यहाँ पे एक ही बाजार लगता है जिसमें सब्जी वगैरह मिल जाती हैं, कपड़े लेते जो भी लेना हो ले लो बुद्ध बाजार वृंदावन में। और वैसे तो वही कान्हा जी के कपड़े वगैरह लड्डू वाली ये सब मिलती रहती है डेली में, लेकिन बाजार एक ही दिन लगता है तो इसीलिए मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी जा रही हूँ बाजार करने। सोचा ये सैंडल भी टूट गए, ये भी जुड़ वाला हूँ, स्कूटी से जाऊँगी, हस्बैंड मेरे आगे निकल गए हैं, नहीं पीछे रह गई, पाए रख लीजिए दोनों तरफ। दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाजार में और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, यानी कि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी मोटी बनाऊंगी ये थोड़ा सा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, फोन चोरी हो जाते हैं इस वजह से। इधर की साइड में बहुत बड़ा बाजार लगता है, ये सड़क पर लगा है इसलिए कम लग रहा है। कर लिया है बाजार, अब जा रहे हैं अपने घर और घर जा के दिखाइए क्या क्या लेके आए। तो दोस्तों आ गए अपने घर पर, ले आए सामान भी रखा है और कछू जी रखो मतलब सब्जी वगैरह सब ले गए, थक गई हूँ मैं, तबीयत खराब है ना मेरी इसलिए चढ़ते चढ़ते हाँपनी से खुल जाती है। चलो मिलते हैं तुमते नेक्स्ट सोएल है फिर आओ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने घर पे। अचानक ही मैं बाजार से आई, वैसे ही कॉल आ गई मेरे घर से, मुझे ज़रूरी जाना है वहाँ पे कुछ काम है। तो आज से आपको तीन चार दिन जितनी भी देर रहूँगी मैं, आप लोगों को मेरे गांव की वीडियो मिलेंगी बहुत सुंदर सुंदर। और हो सकता है मेरे गाँव में देवी भी रखी जाए यानी कि माता रानी रखी जाए, तो वहाँ के भी ब्लॉग बना के मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलो चलते हैं गाइस। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने मायके में और हमारे यहाँ पे माता रानी रखी गई हैं, है ना माता रानी, और वहाँ पे डांस भी होता है और भजन भी हम लोग गाते हैं। हाँ भजन भी हम लोग गाते हैं रात में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग में। और हमारे गांव में नवरात्रि के दिना एक खेल खेला जाता है, किस किस के गाँव में खेला जाता है कमेंट करके बताना। चलिए मैं उस खेल को दिखा देती हूँ कौन सा खेल है। और इधर न्योता भी आया है हमारा, तो हम दावत खाने भी जाएंगे आज और बहुत ही मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं मेरे गांव के। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली मेरे ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप गाइस, ये इसको बोलते हैं नौतिया, ये चटक गई है थोड़ी सी, और इसको बोलते हैं नौता। हमारे गांव में नौता नौतिया का खेल खेला जाता है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये है माता रानी जो हमारे मोहल्ले में रखी गई थी, ये छोटी चाचा इन्होंने रखवाई थी चंदा करके, देखो बहुत ही प्यारी लग रही है मैं। और यहाँ पे रात में भजन कीर्तन भी होते हैं, डांस भी होता है, तो वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी। कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब हो गया है स्टार्ट हवन, ये आप लोगों को सामने पंडित जी दिख रहे हैं, ये हमारे मोहल्ले के ही हैं, यहाँ पे होने जा रहा है हवन। ये सामने आप लोगों को दादी बाबा दिख रहे हैं, इनका गृह प्रवेश है आज के दिन, तो हवन होगा इसके बाद दावत वगैरह होगी। हवन तो वैसे होता ही रहता है माता रानी पर, लेकिन इनका गृह प्रवेश है घर का, इस वजह से यहाँ पर आज हवन हो रहा है। फिर इसके बाद दावत होगी आरती होकर, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग। तुमको निस दिन जाम हर ब्रह्मा से बोली ओम जय जग में। आरती के बाद प्रसाद बटने लगाए हमारी बुआ जी हैं, रूही बुआ जी प्रसाद बांट रही हैं। पेप्सी की पार्टी चल रही है यहाँ पे, ले रिंकी भी करने कर दो ना।
आए बल्ले बल्ले कहूँ पैसे मिल रही है कहूँ बता से हम पिटाई कर देंगे कहूँ केला को प्रसाद ए बुआ नमकीन ना पा रही है हाँ तसल्ली भाई बुआ लैडी सही कहता था पहला नहीं लेना चाहिए जो पहला लेते भाई नेक मिलती है। यहाँ पे पूरी उड़ी बिलना स्टार्ट हो गई है, बिल रही हैं, सिक रही हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि हमारे गांव में ऐसा ही होता है, हलवा ही नहीं किए जाते, बस मोहल्ले के लोग बुला लिए जाते हैं, फिर बेलते जाओ और परस परस के खिलाते जाओ। यहाँ पे देखो दावत भी शुरू हो रही है, एक तरफ पूरी बिल रही है, सिक रही हैं। यहाँ पे मैं भी खाने बैठ गई थी, मम्मी बोल रही थी पहले तुम खा लो फिर करवा देना बाद में, इस वजह से मेरे साथ के भी खा के उठ गए, इधर से भी उधर से भी मैं अकेली दिख रही हूँ आप लोगों को बैठी खाते हुए। और इतनी देर हो गई मुझे खाते खाते, जुकाम की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी पूरी, लेकिन देखने वाले कह रहे थे पता नहीं कितना खा दिया अभी तक बैठी है। चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, जय माता दी।